आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने विभिन्न एजेंडे की समीक्षा। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शहर के पौश इलाकों में आग में मिर्ची डाल के बदमाशों ने सीएमएस कर्मचारी से दिन दहाड़े लूटे 5,28,000 रुपए। दिन दहाड़े हुई लूट से हरकत में आई पुलिस। डीआईजी एसएसपी ने किया मौका मुआयना, कहा कर्मचारी से की जा रही पूछताछ, जल्द होगा घटना का खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कृषि सहकारिता पशुपालन दुग्ध एवं अन्य संबंधित विभागों के योजनाओं की समीक्षा बैठक। कृषि और किसानों से संबंधित मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। जिला अस्पताल सहित जनपद में 152 केंद्रों पर 51,072 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 45,946 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,126 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। 17 और 18 अगस्त को जिले के 10 केंद्रों पर संपन्न होगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी परीक्षा, तैयारियां पूरी। डीआईओएस ने कहा परीक्षा की सूचिता पर रहेगी विशेष नजर, मजिस्ट्रेटों की गई है नियुक्ति। जल निकासी की व्यवस्था के लिए रुस्तमपुर बड़गो के नागरिकों ने पानी में बैठकर दिया धरना, पानी निकालने की उचित व्यवस्था करने की मांग। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के उद्देश्य से गठित भाजपा के स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के जिला कार्यशाला का किया गया आयोजन। स्वयंसेवकों को दी गई कोरोना से निपटने की जानकारी। गोरखपुर में सोमवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,383। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 10 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अभय मौर्य को बासगांव थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कोरोना के कारण पिछले दिनों से बंद चल रहे कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय सोमवार से खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ शिक्षण कार्य, कम रही छात्रों की संख्या। सावन के चौथे एवं अंतिम सोमवार को राजघाट स्थित बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से ही रही भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर लोगों ने की शिव आराधना। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा मंदिर परिसर। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश भारत स्काउट के सदस्यों ने निकाला प्रभात फेरी। महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को शिव मंदिर पर उमड़ा भक्तों का हुजूम। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर लोगों ने की शिव की आराधना।